नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम एक ऐसे यात्री के बारे में जानेंगे जो यात्राएं करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, जिसका नाम इब्ने बतूता है। भारत में ये कहां कहां गया और किन किन देशों में ये गए, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 304 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्ने बतूता था। ये काजियों के परिवार में जन्मे थे, काजियों जो मुसलमान धर्म में पूजा पाठ कराते हैं, और इब्ने बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान हुए। साथ ही विद्वान और लेखक भी थे ये। इब्ने बतूता ने काजी बनने की पढ़ाई की थी क्योंकि ये काजियों के परिवार से संबंधित थे, और जब वे 325 में 21 साल के हुए तब उन्होंने 75,000 मील की यात्रा शुरू की। इतना लंबा भ्रमण उस युग में शायद ही किसी और यात्री ने किया होगा। 75,000 मील का मतलब लगभग 1,20,000 किलोमीटर होता है, अब आप समझ सकते हैं। इब्न बतूता आरंभ से ही बड़े धर्मानुरागी थे, क्योंकि आप जानते हैं परिवार जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की शिक्षा और उसी प्रकार का परवरिश मिलता है। तो परिवार में सभी लोग काजी थे या धर्म के अनुरागी थे, तो ये भी धर्मानुरागी थे और धर्म को प्रेम करते थे। उन्हें मक्के की यात्रा यानी हज करने की बड़ी अभिलाषा थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए जब इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा की शुरुआत की तो वो सबसे पहले खच्चर पर बैठकर मक्का गए थे। चलते समय उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी देश देशांतराओं की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इब्ने बतूता दमिश्क और फिलिस्तीन के रास्ते एक कारवां के साथ मक्का पहुँचे थे। फिर यहाँ यात्रा के दिनों में उन्हें दो साधुओं से पूर्वी देशों के सौंदर्य के बारे में जानने को मिला था। फिर क्या था, इब्ने बतूता ने उन देशों की यात्रा करने का संकल्प लिया। मक्के से वे इजिप्ट, ईरान, इराक, मोसूल, दक्षिण अरब, पूर्वी अफ्रीका, फारस के बंदरगाह, क्रीमिया, खीवा, बुखारा होते हुए अफगानिस्तान के मार्ग से वे भारत पहुँचे। इब्ने बतूता को नई नई जगह देखने का बहुत शौक था। वे 29 सालों तक दुनिया ही घूमते रहे। इब्ने बतूता यात्री होने के साथ साथ विद्वान भी थे, इसलिए उन्हें पता था कि दुनिया में लेन देन की नीति चलती है, क्योंकि आप कुछ भी देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। इसलिए जब भी वे कहीं जाते या नए देश की यात्रा पर जाते तो वहाँ के सुल्तान के लिए कुछ तोहफे ज़रूर ले जाते थे, और वहाँ के सुल्तान खुश होकर वापसी में इब्ने बतूता को बहुत ज़्यादा तोहफे से नवाजते थे। इब्ने बतूता इजिप्ट के बाद ईस्ट अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के बाद रेड सी को क्रॉस करके टर्की पहुँचे थे। इन्हें घर से निकले काफ़ी लंबा समय हो गया था। सफ़र में उन्होंने कई लोगों से दिल्ली सल्तनत के शानो शौकत और वहाँ के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। ये सुनने के बाद वो खुद को हिंदुस्तान को देखना चाहते थे और अपने आप को हिंदुस्तान जाने से नहीं रोक पा रहे थे। वो 13 सितंबर 1333 को अफ़गानिस्तान के रास्ते मुल्तान पहुँचे। मुल्तान आज जो पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पर इब्ने बतूता को तुगलक के वीज़ा सिस्टम के बारे में पता चला। जी हाँ, उस समय भी वीज़ा सिस्टम था। ये इतिहास में पहले इस तरीके के इमिग्रेशन सिस्टम का जिक्र आपको मिलेगा। बॉर्डर पर ही इब्ने बतूता को रोक दिया गया। तुगलक के सिपाहियों ने उनसे कई प्रकार के सवाल किए। सिपाहियों ने पूछा कि आपका नाम क्या है, दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ से आए हो, इसी तरीके के कई सवाल पूछे गए। फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई जो दिल्ली भेजी गई और उन्हें इंतज़ार करने को कहा गया। फिर इसके बाद मंजूरी मिलने के बाद ही इब्ने बतूता को हिंदुस्तान में प्रवेश मिला। इब्ने बतूता ने तुगलक को देने के लिए भी काफ़ी तोहफे लिए थे, जिनमें ऊँट थे, काफ़ी घोड़े और कुछ जवाहरात भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता के बारे में पहले से बहुत कुछ सुन रखा था और वह कुछ जानते भी थे, इसलिए इब्ने बतूता को तुगलक ने काजी ही बनाया। इस पद पर पूरे 7 बरस तक रहते हुए उन्होंने सुल्तान के दरबार में काम किया और उसे सुल्तान को अत्यंत निकट से देखने और जानने का भी अवसर मिला।
इब्ने बतूता ने हर जानकारी को और हर घटनाओं को बड़े ध्यान से देखा और सुना था। उस समय इब्ने बतूता की तनख्वाह 3,000 दिनार थी। उस दौर में एक परिवार के महीने का गुजारा आप समझ सकते हैं कितना होगा? सिर्फ 5 दिनार। अब आप समझ सकते हैं इनकी तनख्वाह कितनी ज़्यादा थी, 3,000 दिनार। काजी के तौर पर इब्ने बतूता का काम फैसले और सजा सुनाना था। दिल्ली में बतूता ने तुगलक के स्पीड पोस्ट सिस्टम के बारे में भी जाना। ये सिस्टम बड़ा ही अनोखा था। डाक विभाग के एक व्यक्ति को अपना पैगाम दीजिए, वो उस व्यक्ति के हाथ में एक घंटी वाला चाबुक होता था जिसे वो शोर करते हुए 3 मील तक दौड़ता था। शोर को सुनकर सब लोग उसके मार्ग से हट जाते थे और मार्ग को खाली कर देते थे। फिर दूसरा डाक विभाग का एक व्यक्ति उस घंटी की आवाज़ सुनकर उस पैगाम को लेने के लिए वहाँ तैयार रहता था, मतलब 3 मील की दूरी पर, और फिर वो वहाँ से पैगाम लेकर अगले 3 मील तक दौड़ता था। ये सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक कि पैगाम अपने पते तक न पहुँच जाए। इस तरकीब से 50 दिनों का काम सिर्फ 5 दिनों में ही हो जाता था। ये था उस ज़माने का स्पीड पोस्ट सिस्टम। कुछ समय के बाद बतूता ने दिल्ली में शादी कर ली थी और उनके पत्नी के पिता दरबार में अफसर थे जो तुगलक के खिलाफ बगावत करने वालों में से शामिल थे। जब तुगलक को ये बात पता चली तो इब्ने बतूता के ससुर की हत्या करवा दी और इससे बतूता भी तुगलक के शक के घेरे में आ गया था। इससे उनके लिए काफ़ी मुसीबत हो गई। कुछ समय बाद तुगलक ने अपने खिलाफ बगावत करने वाले लोगों को जानने वाले लोगों की लिस्ट निकलवाई जिसमें इब्ने बतूता का भी नाम शामिल था। बतूता की मुसीबत और बढ़ गई और उसे कारागार में डाल दिया गया। बतूता को डर लगने लगा कि कहीं मुझे मौत का सामना न करना पड़े, क्योंकि कभी भी मौत का फरमान आ सकता है। फिर 9 दिन बाद वो वक्त आ ही गया जब दरबार में उन्हें पेश किया गया। बतूता ने तुगलक से फरियाद की कि वो उसे छोड़ दें और वो सब कुछ छोड़कर दूर गुफा में रहेगा और अपनी प्रायश्चित करेगा। ये सुनकर सुल्तान ने उन्हें छोड़ दिया। वो लगभग 5 महीने तक गुफा में रहे। फिर वो दोबारा दरबार में गए और सुल्तान से दरख्वास्त की कि उन्हें दोबारा हज करने का मौका दिया जाए, लेकिन तुगलक ने उनकी बात मानी नहीं, बल्कि 1342 में बतूता को अपने दूत के रूप में अपने ही विरोधी मंगोल के शासक के दरबार में भेज दिया। इब्ने बतूता को तुगलक की बात माननी पड़ी और वो जाने के लिए राजी हो गए। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। उन्हें मंगोल के राजा के लिए सुल्तान के तोहफे वहाँ ले जाने थे, जिसमें कई गुलाम, डांसर्स, घोड़े और बहुत सारे कपड़े, बर्तन और हथियार थे, और सामान की रखवाली के लिए एक सेना की टुकड़ी भी दी गई। दिल्ली से निकलते हुए बतूता कन्नौज, काजवारा, चंदेरी, सागर, खंबात, फिर दौलताबाद गए। दौलताबाद तुगलक सल्तनत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ पर एक देवगिरी किला भी था जिसे अभी तक कोई जीत नहीं पाया था, क्योंकि उस किले में जाने का एक ही रास्ता था जो चमड़े से बना एक सीढ़ी था। ये किला मुजरिमों को कैद में रखने के लिए भी यूज़ होता था और दौलताबाद से तुगलक को सबसे ज़्यादा लगान भी मिलता था। और आपको पता होगा कि एक बार तुगलक दौलताबाद को अपनी राजधानी भी बनाना चाहता था। धीरे धीरे बतूता का कारवां मालाबार तट तक पहुंचा, जिसे काली मिर्च का मुल्क भी कहा जाता था। इसके बाद बतूता केरला के कन्नौज जिले तक पहुंचे। वहां पर उन्हें एक अद्भुत वृक्ष दिखाई दिया जिसे दरखाती शहादत, मतलब गवाही का पेड़ कहा जाता था। इब्ने बतूता बताते हैं कि इस पेड़ के पत्ते साल भर हरे भरे रहते थे और कभी नहीं गिरते थे। बस हर साल पतझड़ में एक पत्ता रंग बदलता था, जिसका रंग हरे से लाल हो जाता था और फिर गिर जाता था। उस पत्ते को फिर 2 हिस्से में किया जाता था, एक हिस्सा हिंदुओं को और एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाता था। ये किस्सा धार्मिक एकता की एक अच्छी मिसाल साबित थी उस समय। इब्ने बतूता वहाँ से पट्टन, फिर कालीकट के बंदरगाह गए। वहाँ पर जमोरिन ने उनका स्वागत किया। जमोरिन उस समय कालीकट का शासक था। बतूता उनके गोरिल्ला युद्ध नीति से काफ़ी प्रभावित था। गोरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, आज भी काफ़ी जगह फौज में गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया जाता है। फिर वहाँ से इब्ने बतूता जहाज़ों से चीन की ओर रवाना हुए।
अब यहाँ से शुरू होता है इब्ने बतूता का जहाज़ी यात्रा। जहाज से सफ़र के दौरान अरब महासागर में एक तेज़ तूफान आया जिसमें उनका जहाज़ फंस गया, जिससे बड़ी मुश्किल से इब्ने बतूता ने अपनी जान बचाई और कालीकट बहकर किनारे आ गए। सब कुछ पानी में ही बह गया। फिर बतूता ने चीन जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया। वो पहले मालदीव गए, फिर वहाँ से श्रीलंका, फिर वहाँ से चीन गए, लेकिन वो शायद मंगोल खां के दरबार में नहीं पहुँच पाए। इसके बाद उनके सफ़र का अंत शुरू हो गया और वो पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका, फिर स्पेन के मुस्लिम स्थानों पर भ्रमण किया उन्होंने, और अंत में 1354 के आरंभ में वापस मोरक्को आ गए। मोरक्को पहुंचकर उन्होंने अपने पूरे सफ़र के बारे में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रेहला। रेहला के बारे में मैं बता दूं कि ये एक अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। रेहला को जिसने लिखा है उनका नाम है मुहम्मद इब्न जज़िया। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि रेहला को इब्ने बतूता ने नहीं लिखा है। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे के बारे में विवरण दिया, उसके बारे में बताया और लिखा है मोहम्मद इब्न जज़िया ने। ठीक है, आप ये चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद इस बुक में 44 देशों की सभी किस्से इन्होंने बाकायदा लिखवाए हैं या लिखे हैं, इनकी ही बुक मानी जाएगी। उन्हें हिंदुस्तान बहुत पसंद आया था, इसमें मेंशन भी किया है उन्होंने। अपने इतने लंबे सफ़र में लगभग 12 सालों तक वो हिंदुस्तान में ही रहे थे। इतना समय उन्होंने और किसी देश में नहीं गुजारा था। इब्न बतूता के इस भ्रमण वृतांत को अरबी में अजायब अल अफसार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक कॉपी पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखी हुई है, जो इतिहासकारों के लिए खजाने से कम नहीं है। इब्न बतूता वापस लौट आने के बाद बाकी का जीवन अपने ही देश में उन्होंने बिताया। फिर 1369 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था इब्न बतूता से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। ये मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में ये 12 साल तक रहे। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पर जितनी भी जानकारी मिली है इनको याद कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।